विदेशी परिंदों से गुलजार हुआ बिहार, प्रवासी मेहमानों का लगा बसेरा, यहां देख सकते हैं प्रकृति के अद्भुत नजारे। नमस्कार, मैं दिव्या, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और सरैया मान पक्षी विहार में हर साल अक्टूबर नवंबर में ठंड के शुरुआत के साथ ही प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो जाता है और मार्च तक इन पक्षियों का यहाँ बसेरा होता है। बसंत पंचमी के बाद इन पक्षियों का पलायन शुरू हो जाता है। ये पक्षी अपने जोड़ों के साथ यहाँ आते हैं और शीतकाल में यहाँ अपने वंश की वृद्धि करते हैं। फिर मार्च तक वे अपने परिवार के साथ वापस लौट जाते हैं। पश्चिमी चंपारण जिले के कुछ विशेष क्षेत्रों में इस समय विदेशी पक्षियों से ये क्षेत्र गुलजार हो चुका है, साथ ही इनके कलरव भी गूंजने लगे हैं। इन पक्षियों के कलरव को सुनकर पर्यटकों को ये एहसास हो रहा है कि सर्दियों का मौसम आ चुका है। झीलों और जलाशयों में इन प्रवासी पक्षियों को डुबकी लगाते हुए देखना पर्यटकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस साल भी हर साल जैसे प्रवासी पक्षियों का झुंड वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यानी VTR में प्रकृति के खूबसूरती का एहसास करवा रहा है। बेतिया वन प्रमंडल के DFO अतीश कुमार ने बताया कि हर साल सर्दियों के मौसम में हजारों मील की यात्रा करके ये साइबेरियन पक्षियों का झुंड बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व और सरैया मान पक्षी विहार पहुंचता है। वन विभाग भी इन पक्षियों की सुरक्षा के लिए लगा होता है ताकि इनका सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित किया जा सके। इस वर्ष भी नवंबर मध्य में सरैया मान और जिले के अन्य वनवर्ती क्षेत्रों में साइबेरियन पक्षियों को देखा गया। जिले के कुछ विशेष क्षेत्रों में प्रवासी और दुर्लभ पक्षियों का बसेरा है। इसका पता 2024 के शुरुआत में हुए एशियन वाटर बर्ड सेंसस के दौरान चला है। इन क्षेत्रों में प्रमुख स्थान है उदयपुर बर्ड सेंचुरी, सरैया मान पक्षी विहार के गंडक के फ्लड प्लेन क्षेत्र, बघा दो प्रखंड का दारुआ बरी क्षेत्र और मझौलिया प्रखंड का लाल सरैया क्षेत्र। इन क्षेत्रों में पक्षियों की लगभग 250 प्रजातियां निवास करती हैं। इनमें से 45 प्रजातियां साइबेरियन और अन्य प्रवासी पक्षियों शामिल हैं। प्रवासी पक्षियों का यहां आना अक्टूबर में शुरू हो जाता है और नवंबर के अंत तक जारी रहता है। ये पक्षी फरवरी तक जिले में रहते हैं और फिर मार्च में अपने परिवार के साथ वापस लौट जाते हैं। इन पक्षियों का मुख्य आहार नदियों की मछलियां, जलीय जीव और आसपास के खेतों में लगे अनाज होते हैं, जिसे खाकर ये परिंदे यहाँ निवास करते हैं। साइबेरिया में ठंड के कारण वहाँ इन पक्षियों को भोजन की कमी हो जाती है, जिससे वे गर्म प्रदेशों की ओर पलायन करते हैं। मालूम हो कि भारत साइबेरिया की तुलना में गर्म है, इसलिए इन पक्षियों का आगमन भारत की ओर होता है। सर्दियों के दौरान इन पक्षियों का आना जिले की जैव विविधता और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। प्रवासी पक्षियों का आगमन न केवल पर्यटकों को आकर्षित करता है बल्कि यह स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को भी समृद्ध करता है। इन पक्षियों के आगमन और उनके पर्यावरणीय योगदान से क्षेत्र में जैविक संतुलन बना रहता है। इनकी रक्षा और संरक्षण के लिए वन विभाग और स्थानीय समुदाय मिलकर काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में भी इन पक्षियों का सुरक्षित प्रवास सुनिश्चित किया जा सके। आज के लिए फिलहाल इतना ही। क्या आप कभी सरैया मान सेंचुरी का भ्रमण किए हैं? हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।